योगी मोदी बैनर के तले समाजवादी पार्टी नगर पंचायत अध्यक्ष कैसरगंज ने किया शपथ ग्रहण, जिसमें मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी विधायक आनंद यादव की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। नगर पंचायत कैसरगंज में नवनिर्वाचित चेयरमैन व सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। 26 मई को नगर पंचायत कैसरगंज के नवनिर्वाचित चेयरमैन यूसुफ अली सोनू समाजवादी पार्टी व 16 सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें कैसरगंज विधायक आनंद यादव, समाजवादी पार्टी राजकुमार व संचालन करते मौलाना खालिद समाज सेवी व महेश कुमार कैथल, SDM कैसरगंज सैयूब अली, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंसूब अली, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शमशुद्दीन शेख बरकाती, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी व नगर पंचायत कैसरगंज क्षेत्र की जनता तथा सम्मानित लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं साजिद, आपको बता दें कि वहीं पर साजिद नगर पंचायत कैसरगंज के नवनिर्वाचित चेयरमैन यूसुफ अली सोनू ने व 16 सभासदों ने शपथ लिया और चेयरमैन ने कहा कि जनता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और सबसे बड़ी समस्या जल निकास की है, उसे पहले पूरा करूंगा तथा 16 सभासद लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सभासद पूनम वार्ड नंबर 1, सुशील कुमार सिंह वार्ड नंबर 2, अलाउद्दीन वार्ड नंबर 3, अखिलेश कुमार वर्मा वार्ड नंबर 4, रोहित मौर्या वार्ड नंबर 5, माया देवी वार्ड नंबर 6, अफसर जहां वार्ड नंबर 7, सुमन सिंह वार्ड नंबर 8, इरम फातिमा वार्ड नंबर 9, केतकी मौर्या वार्ड नंबर 10, मोहम्मद सैफ वार्ड नंबर 11, फुरकान अहमद वार्ड नंबर 12, अब्दुल मुतालिब वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14 मोहम्मद फिराज आकिब, वार्ड नंबर 15 रामराज वर्मा उर्फ सल्लर, वार्ड नंबर 16 सोहन लाल सहित हजारों लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। संवाददाता सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय, नवनिर्वाचित नगर पंचायत के अध्यक्ष यूसुफ अली जी, हम सबके सरपरस्त, हम सबके नेता परम आदरणीय श्री क्रांत कुमार सिंह जी, श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह जी, डॉक्टर मुगली साहब, शौकत साहब और बड़े भाई हमारे सम्मानीय सैयूब अली जी, मंसूब अली जी और नगर पंचायत के यो साहब और इस नगर पंचायत 1 से 16 वार्ड तक सभी सम्मानित निर्वाचित सभासद, इस कार्यक्रम में उपस्थित विकासखंड कैसरगंज, नगर पंचायत कैसरगंज, पास पड़ोस के सभी सम्मानित प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण उपस्थित, डॉक्टर साहिबान, हमारे तहसील से आए हुए सभी अधिवक्ता परिवार के साथी, पुत्र सैयूब अली नगर पंचायत कैसरगंज निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। मैं सत्य भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी। मैं शुद्ध भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। आप इसके लिए भी मैं आभारी रहूँगा हमेशा और कैसरगंज विकास के लिए निरंतर मैं प्रयास करता रहूँगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे नगर पंचायत कैसरगंज में जल निकास की, उसको मैं पूर्ण करने के लिए कोशिश करूँगा।
आप इस शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि श्री आनंद कुमार यादव जी और आदरणीय एसडीएम महोदय महेश कुमार कैथल जी, आदरणीय ईओ नगर पंचायत कैसरगंज श्रीराम द्विवेदी जी, आदरणीय नेताजी क्रांति सिंह जी, आदरणीय लाल विक्रम जी, कादिर चाचा, नसीब खान साहब, हंसराम यादव जी, फरीद चाचा, डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब, जनाब शौकत अली बाबू जी और सम्मानित पत्रकार बंधु और यहाँ पर मंच पर मौजूद सभी नव निर्वाचित सभासद व हमारे आसपास गरीब हमारे शुभचिंतक भाई और बुजुर्ग साथियों, आप सब से जो प्यार और मोहब्बत मिली है, मैं इसके लिए आप सबका हमेशा आभारी रहूंगा। आपकी वजह से ही संभव हुआ है कि आज मैं कैसरगंज नगर पंचायत का प्रथम चेयरमैन के रूप में आपके सामने खड़ा हुआ हूं। कैसरगंज के विकास के लिए मैं हमेशा निरंतर प्रयास करता रहूंगा। आप सबकी जहां पर भी जरूरत पड़ेगी, हम वहां आप लोग से मिलने की कोशिश करते रहेंगे। एक कहावत है कि शब्दों से ज्यादा विकास काम बोलता है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसके मैं कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर निरंतर विकास कार्यों में लगा रहूं, आप लोग की सेवा करता रहूं। हमारे नेताजी और श्री बप्पू चाचा जी ने जो बात कही थी, मैं उसके लिए वादा करता हूं कि 60 वर्ष से अधिक पेंशन के लिए हमारी एक टीम गठित की जाएगी, जिसे उन लोगों से मिलकर जाके वहां पे उनकी सेवाएं पहुंचाई जा सके। और इसी के साथ मैं बात खत्म करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।